मतलब बिना लाइसेंस का बंदूक है, बिना लाइसेंस के बंदूक है, ये बंदूक है। अच्छा। अगर मारिएगा ना, हाँ। चिड़िया मारिए चाहे कोई जानवर मारिए चाहे कोई बहरी दुश्मन को मारिए, हाँ। फटाफट मर जाता है। हाँ। अरे वाह। ए प्याज वाले 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, टमाटर लो 1 किलो 10, 1 किलो 10। कितना छोटा सा बाबू है। सो दोस्तों, अभी बंदना से हम आ गए हैं वैभव भाई के घर। वैभव भाई बहुत दिन से मेरे को मैसेज भी कर रहे थे और मैं भी एक बार लाइव आया था तो वैभव भाई से बात हुआ, तो भाई बताया कि एक पहाड़ के नीचे भी यह मेरा घर है। तो मैं बोला कि यार एक बार भाई के घर जाया जाए और लाइव में अपने घर दिखाए थे। तो ये है वैभव भाई का घर। और वैभव भाई यहाँ चॉइस सेंटर चलाते हैं और इनका एक छोटा सा शॉप है। तो आज कहाँ जाने वाले हैं भाई हम लोग? फिलहाल तो अभी यहाँ रहेंगे घर, उसके बाद फिर अपने पहाड़ वाले घर में चलेंगे। पहाड़ वाले घर में? हाँ, अभी पहाड़ वाले घर में चलेंगे। अच्छा। और फिर वहाँ देखेंगे, अगर हाँ। गाड़ी अगर चल जाएगा तो, नहीं तो फिर बाइक से चलेंगे। हाँ। और उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइगर हिल्स, यहाँ ऊपर टाइगर हिल्स। हाँ। क्या है वो वहाँ पे? बस आपको ये गाँव का व्यू देखने को मिलेगा। अच्छा। टॉप व्यू। और उसके बाद हम लोग चलेंगे मार्केट। अच्छा, मार्केट डे है ना आज। का नाम है? ले तो चला तो भाई, कहाँ रखे छात माँ? क्या बोलते ला? लट्टू। तो दोस्तों, मैं बचपन में था तो ऐसे भौंरा चलाता था। अरे बच्चा भौंरा रखे देखिए। अरे वाह, हाथ में लेते हो ऐसे, इसको हाथ में लेते हैं। अरे भौंरा है देखिए, किसको कौन बनाया है यार? दिखना। हाँ? दिखना। भाई भौंरा एक बार और चलाने के लिए बोल रहा हूँ। और आप लोग कौन कौन भौंरा चलाए हो कमेंट करके बताओ। चला तो भाई। अरे वाह, अरे देखो अभी हाथ में भी ले लेंगे ना। लो तो भाई। अरे वाह, देखिए हाथ में चला दिए भाई, क्या बात। चलो भाई। ए भैया लोग कुछ कुछ सामान वामान लेके जा रहे हैं। देखिए सब मार्केट, सब अच्छा मार्केट जा रहे हैं सब। मैं भी जा रहा हूँ मार्केट। अच्छा, बाय बाय, मिलते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मार्केट, यहाँ का लोकल मार्केट। और आज साग सब्जी खरीदूँगा सोचा हूँ, झोला पकड़ लिया हूँ, निकलते हैं। चलिए फिर। बेचे जाता है इसकी कहाँ कर रहे फिर? चप्पल खरीद। अच्छा, धान बेच के चप्पल खरीद गए। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मार्केट और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने साइकिल में गाड़ी में धान को बांध कर लेके जा रहे हैं। क्यों लेकर जा रहे हैं ये आगे जानेंगे। आज मार्केट डे है तो मार्केट डे में जो भी ज़रूरत का सामान रहता है वो लेने के लिए जाते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मार्केट और यहाँ पर गाड़ी स्टैंड लगाए हैं और यहाँ पर बिक रहा है बोरा जिसमें धान रखते हैं। तो अरे यार, तो बहुत बड़ा बोरा है। कितना धान आ जाता होगा भाई? 20 बोरा धान आ जाता है भाई? 20 बोरा से ऊपर आ जाता है धान? अरे वाह यार, ये तो बढ़िया है। यहाँ पर गेरवा बिक रहा है गाय वगैरह को बांधने के लिए, तो अलग अलग टाइप का गेरवा है यहाँ पर। ये रस्सी है, ये उस टाइप का अलग अलग टाइप का है। चटाई बेच यहाँ पर है टुकनी, और बड़ा ही बढ़िया टुकनी है। ते टुकनी ला का काम आते बाबा? ये टुकनी के मुर्गी ढाके भरे और ये वाला माटी डोहे भर। कितना के है वो? हाँ हाँ, 300 के। और ये वाला 200 के? अच्छा, तो ये टुकनी है।
मुर्गी ढकने के लिए और मिट्टी उठाने के लिए, सामान वामान रखने के लिए। वाह, तो कहाँ के बाबा बताए? बांसापाड़ा। अच्छा बांसापाड़ा के। अच्छा अच्छा, तो घर में बना था ला? हाँ। कि आप देख रहे हैं पूरा जंगल है, खेती करते हैं, तो यहाँ पर बीज मिल रहा है। इसमें यहाँ पर हर तरह का बीज है, लौकी, पालक, टमाटर और भिंडी, मटर, धनिया, भुट्टा, सभी चीज़ का यहाँ पर बीज मिल रहा है। और इस साइड में प्लास्टिक का सामान मिल रहा है जो घर में और डेली यूज़ में यूज़ किया जाता है। इस साइड देख सकते हैं कपड़ा है, साल वगैरह है यहाँ पर। और यहाँ पर शूज़ बिक रहे हैं। अरे वाह। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो एक साइड से पहले घूम के आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जूते, यहाँ पर जूता वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पर महुआ बिक रहा है, तो कई लोग जो अल्कोहल वगैरह बनाते हैं तो वो महुआ लेकर जाते हैं। ये चावल है, इतना वाला चावल है। और आगे चलते हैं। अरे यहाँ पर देखिए, ये मीठा है, समोसा है। कितने रुपए का है समोसा? 10 के 2 कि 1 10 के 2। देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे के लिए यहाँ पर गुल्ले लेने के लिए आए हैं। अच्छा तो भैया, यहाँ पर लोग जब खेती करते हैं तो बंदरों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसके लिए गुलेल बनाते हैं। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ मार्केट में कि गुलेल जो है बनाते हैं। तो बाबा कितना के बन जाते गुलेल? बन जाए 500। कितना वहाँ सब मिला के? सब मिला के कितना? 50 रुपये। 60-70? 80 रुपया। और मोटा वाला हम बनाएंगे तो 80 रुपया। और पतला वाला इज्जत में बनाएंगे तो बनाएंगे तो आपका 60 रुपये में हो जाएगा। 60 रुपये में? बिना लाइसेंस का बंदूक है? बिना लाइसेंस के बंदूक है? ये बंदूक है। अच्छा। अगर मारिएगा ना, हाँ, चिड़िया मारिए, चाहे कोई जानवर मारिए, चाहे कोई बहरी दुश्मन को मारिए, फटाफट मर जाता है। हाँ। अरे वाह। तो आज मैं बंदूक खरीदने वाला हूँ। हाँ, बिना लाइसेंस का गोल। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी बनाते हैं। अच्छा, पत्थर नहीं होते? पत्थर से नहीं होगा, पत्थर से उल्टा पुल्टा भागता है। अच्छा मिट्टी का? अच्छा मिट्टी का बनाएंगे तो दूर तक जाता है? कितना दूर तक जाते हैं? सीधा जाएगा, सीधा। अच्छा हाँ, मेरा बेटा इसको खींच सकता है तो उसके लिए ले रहा हूँ बंदूक। तो भैया मैं बैठ के अभी बंदूक बनवा रहा हूँ। जैसे कि जंगल उंगल में हम लोग बहुत ज़्यादा रुकते हैं ना, तो कई बार क्या है बंदर उंदर आ गया। हाँ। उसको डराने के लिए टाइट ऐसे करके डरवा तो सकते हैं। हाँ, तुरंत तुरंत भागते हैं, इसलिए मैं बना ले रहा हूँ। क्या है रात में जंगल उंगल में रुकना हो गया तो कम से कम कोई तो चीज़ होना चाहिए डराने के लिए। बन गए? हेलो। ये यहाँ पर मिल रहा है भजिया, समोसा, बूंदी, सलोनी, मिक्सचर और इसके साथ में टमाटर का चटनी है। वो पानी आ जा रहा है। भाई मस्त बढ़िया है यार। कहाँ खाता था भाई? भजिया। भजिया और टमाटर के साथ मुझे अच्छा लगा थे। अच्छा है भैया, यहाँ तुरंत तुरंत बना रहे हैं और यहाँ पे तुरंत तुरंत दे रहे हैं चूल्हे पे। हाँ चूल्हे पे बन रहा है। ये मूरी। अच्छा ये मुर्रा लड्डू है, एक मुर्रा लड्डू ले लेते हैं, खाएंगे। कितने रुपए के? हाँ 10 रुपया होगा। 10 रुपए का मुर्रा और 10 रुपए का लड्डू दे दो। लाडू बोलते हैं? लाडू। 10 रुपए के लाडू और 10 रुपए के मुर्रा, थोड़ा खिला दो बाबा। अरे वाह, आके देख लेता हूँ। वाह, देसी वाला मुर्रा है भाई ये, एक नंबर। दे पूरा सेक्शन महिलाओं का है इधर चूड़ी वाला, और इधर कपड़ा मार्केट है तो यहाँ पर कपड़ा मिलता है, तो यहाँ कपड़ा ले सकते हैं। देखिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए कपड़े हैं, जो महिलाएं रहते हैं उन लोग के लिए साड़ी वगैरह इस साइड में मिलता है। और छोटे से बच्चे को देखिए, कैसे साड़ी देख रहे हैं सर, ये साल देख रहे हैं आई थिंक। तो इधर चलते हैं।
इधर पूरा कपड़ा चटाई ये सब मिल रहा है। और यहाँ पर झाड़ू टुकनी देखिए सर, टुकनी कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया। नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है सर। और यहाँ पर देखिए ये देखिए टुकनी, इसको ये तो बहुत बेचने का टाइम आ गया है ना। अच्छा ये महुआ बेचने के लिए चावल वगैरह को छानने के लिए भी यूज करते हैं ना इसको? हाँ, मैंने अभी तो महुआ का टाइम आ गया है, महुआ बेचने का मतलब जब अभी गिरेगा तो फिर उठाएंगे सब इसको, इसी में उठाते हैं इसीलिए लेते हैं क्या इसको यहाँ पर? मैंने यही है। अच्छा महुआ बिनने के लिए, महुआ बिनने के लिए। अच्छा वहाँ पर मटका बिक रहा है, ये वाला जो मटका है ये मटका का मतलब क्या यूज है, क्या करते हैं? एक तो पानी वाला हो गया और एक महुआ दारू बनाने के लिए। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर सीजन नहीं है ना, यहाँ पर गुल्लक भी बिक रहा है, यहाँ पर मटका है तो पानी वगैरह भरने के लिए, पानी वगैरह भरने के लिए यहाँ पर मटका है, और इस साइड खाना वगैरह बनाने के लिए है। ये दारू वाला है ना, ये महुआ का दारू जो बनाते हैं जो बनता है ना उसे भाप के लिए फिल्टर करने के लिए है ये। ये वाला कितना के भाई? ये देख ए गुल्ला का कितना के यहाँ पर? 20 रुपए के। अच्छा ये तो गुल्लक है, ग्लास है और दिया है, ये छोटा छोटा मटकी है देखिए कितना बढ़िया है। तो ये एक मटका जो है 80 रुपए का है देखिए, ये चेक कर रहे हैं दीदी जो है एक मटका लेने के लिए। तो इसलिए अभी मार्केट अभी बहुत सारा बचा हुआ है तो मार्केट देख कर आते हैं। और यहाँ पर क्या काम आते थे ये? अच्छा बिहा करते था वो दूल्हा और दुल्हन ला ऐसे हवा दे बर। ये जिसका शादी हो चुका है ना वो ऐसा लीजिए और अपनी पत्नी को ऐसे धुकने के लिए दीजिए, जब सो रहा है तो ऐसे धुकते रहे अच्छा चीज है ना, अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। मोटू मजाक था ना, सीरियस मत लेना वैलेंटाइन वीक है, गिफ्ट नहीं लिया हूँ अभी तक, आज शायद गिफ्ट डे भी है शायद आज। और यहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए जो घरेलू सामान है या मेकअप का सामान है वो यहाँ पर मिल रहा है देखिए, चिकली फुंदरी ये सब बोलते हैं ना वो सब यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए वो जो लेडीज़ का सामान है वो सब। और इस साइड आप जाएंगे तो ये देखिए सांटी है, मंगलसूत्र है, कान का बाली है, वो सब यहाँ पर मिल रहा है। इस साइड में पूरा इसी तरह का मार्केट है, जो लेडीज़ मार्केट है वो इस साइड है। और इस साइड आप आगे जाएंगे तो यहाँ साग सब्जी का मार्केट शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये पूरा ऑर्गेनिक भाजी वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे भी कूढ़ा में मिलता है सब, किलो वगैरह में नहीं मिलता। और ये जो सब्जी वगैरह भी देख रहे हैं पूरा ऑर्गेनिक है सब, तो सब्जी वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं और सब्जी ही नहीं ले रहे हैं अभी तक, यहाँ से सब्जी लेंगे तो भाजी उजी लेंगे यार। अंकल जी क्या सब्जी खाएंगे आप? कौन से बीज खाएंगे? ये मिर्ची कौन सा है? ये बहुत तीखा रहता है वही वाला है, ये बहुत तीखा रहता है भाई, ये सूंघ के देखो क्या, तो नहीं सूंघने से नहीं होता ना, तोड़ के सूंघने से होगा। अच्छा कितना छोटा सा बाबू है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गांव में लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर जो टॉर्च है ऐसे लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर बिकते रहते हैं, मोबाइल के एक्सेसरीज है, मनोरंजन के लिए ऐसे बॉक्स वगैरह है वो चीज़ लेते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे वीकली मार्केट से लेते हैं। आगे चलते हैं देखते हैं साइड क्या है। और इस साइड में बर्तन का मार्केट है, यहाँ पे बर्तन आप ले सकते हैं देखिए। और आगे चलते हैं, यहाँ पे सब्जी बिक रहा है कूल्हा में, क्या मार्केट है यार यहाँ तो। अरे मार्केट में जैसे ही मैं गुजर रहा हूँ तो पूरा स्मेल आ रहा है, जैसे टमाटर का स्मेल आ रहा है, मिर्ची का स्मेल आ रहा है, सब्जियों का भाजियों का स्मेल आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर मार्केट में ऑर्गेनिक सब्जी मिल रहा है। अभी किसी फूल का स्मेल आ रहा है, मैं स्मेल कर रहा हूँ इसलिए पता चल रहा है। आलू
यहाँ पर देखिए मछली मिल रहा है, बहुत टाइप की यहाँ पर मछली है। अरे वाह, तो कौन कौन सा मछली है यहाँ पर देखिए, बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पर मछली है। एक काका बोलते बतावे का दाई, ये का मछली है? चिंगरी। ये चिंगरी, और ये फोक्सी, और ये सुईली बोलते हैं। सब यहीं तक लगा है सब्जी मार्केट, उसके बाद ख़त्म है। फिर आगे चलते हैं और देख कर आते हैं लास्ट तक में क्या क्या लगा है। अरे ये आलू है, ये कौन सा आलू है अभी? हाँ सूरजमुखी। तो कितना रुपये किलो मिलते हैं? 10 रुपये किलो। कितना सस्ता? अच्छा किलो है 25। प्याज वाले 25 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। प्याज 25 रुपये किलो। टमाटर लो 1 किलो 10, 1 किलो 10। तो यहाँ पर एक ही जगह में 5 प्रकार का भाजी है। ये लाल भाजी, ये कौन सा भाजी है? ये चना भाजी, ये भी चना भाजी, और ये वाला भाजी बहु चना, ये का भथुआ। ये सब्जी बना के खाते? अच्छा, और भी भाजी है, पत्ता गोभी है, हाँ टमाटर में खाते। अच्छा, तो यहाँ पर मिल रहा है देसी केला, और देसी केला खरीद रहे हैं। लेंगे अंकल जी केला? ये देसी केला है का देख? अच्छा, घरे के? घरे के। तो केला ले ले रहे हैं सुबह का नाश्ता केला के साथ। एक चीज़ और है, काजू वाला मैं बिस्किट खाता था पहले, तो ये बिस्किट भी यहाँ पे मिल रहा है। अरे गुजिया है क्या है ये? ये लॉन्ग लता है, काजू वाला बिस्किट, बड़ा समोसा और जलेबी। ये जलेबी ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब निकलते हैं घर। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रहा था, और यूनिक यूनिक चीज़ें यहाँ पर देखने को भी मिला। अब निकलते हैं यहाँ से घर। शॉपिंग वगैरह सब पूरा हो गया है, और जब हम आ रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा है वो धान का बोरी साइकिल में लेके जा रहा था। तो मैं उससे पूछा कि ये धान का बोरी क्यों लेकर जा रहे हो भाई? तो बताया कि धान के बदले में मैं चप्पल लूँगा करके। तो ये जो प्रथा है, ये बहुत साल पहले, मतलब हजारों साल पहले, जब करेंसी नहीं चलता था तो उस टाइम पर धान देते थे या कोई सामान देते थे, सामान के बदले हमको दूसरा चीज़ मिलता था। तो बिल्कुल वो चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिला। सोचिए इतना पुराना प्रथा जो है यहाँ पर अभी भी जिंदा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिक यूनिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिला। तो दोस्तों जब भी आपको लोकल मार्केट मिले तो ज़रूर एक बार मार्केट विज़िट ज़रूर करें और देखें और समझें। बहुत सारे यूनिक यूनिक चीज़ मिलता है, और यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत सारे मीठे मिलते हैं, और मिक्सचर बिस्किट ये सारी चीज़ मिलते हैं। तो वो भी ज़रूर एक बार टेस्ट करें। और यहाँ का जो समोसा बड़ा है ना, वो भी बहुत टेस्टी रहता है और बहुत स्वादिष्ट, टमाटर की चटनी, मिर्ची की चटनी के साथ मिलता है। तो मैं तो कुछ चीज़ टेस्ट किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।